हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का 11th चैप्टर, जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसको हिंदी में बीजगणित भी कहते हैं। और इस वीडियो में इसके पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि ये मैथ्स क्या चीज़ होती है, गणित क्या चीज़ होती है। तो मैथ्स बेसिकली एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। और कौन सी लैंग्वेज या कौन सी भाषा? तो वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, या वो जो एनर्जी है, या वो जो ताकत है, जिस ताकत ने खुद को कन्वर्ट किया मैटर में और ये पूरा यूनिवर्स बनाया है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ने, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए उस भगवान ने, इस यूनिवर्स को बनाने के दौरान जिस भाषा से ये यूनिवर्स बनाया, वो भाषा या वो लैंग्वेज है मैथ्स। यानी कि जितने भी रूल्स एंड लॉज ऑफ नेचर हैं, इस प्रकृति के जो नियम हैं, वो मैथ्स की भाषा में लिखे गए हैं। अब इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए आप हमारी इस दुनिया में हैं, हमारे इस प्लैनेट में हैं, और आपकी उम्र मान लीजिए 15 साल है, और आपके जितने यार दोस्त हैं, जितने साथ वाले लोग हैं, उन लोगों की उम्र भी 15 साल है। अब इस टाइम पे क्या होता है, आप यहाँ हमारी अर्थ से एक स्पेसशिप में बैठते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से आप ट्रेवल करते हैं स्पेस में या अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में आप स्पीड ऑफ लाइट से करीब 5 साल इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो आप 15 साल आपकी उम्र थी, 5 साल आपने स्पेस ट्रेवल किया, तो जब 5 साल के बाद आप हमारी अर्थ में वापस आएंगे तो आपकी उम्र होगी 20 साल। नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब आप हमारी अर्थ में वापस आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जितने भी लोग आपके साथ की उम्र वाले थे, वो 20 साल के होने चाहिए थे, लेकिन आप ये देखेंगे कि जब वापस आके कि वो जितने भी लोग हैं वो करीब 65 साल के हो चुके हैं, वो सब अपनी जिंदगियां जी चुके हैं और अब अपने बुढ़ापे में हैं। तो ये एक जादू जैसी चीज है कि आप 15 साल की उम्र में गए स्पेस में, 5 साल गुजारे, आप 20 साल के हुए, लेकिन यहाँ हमारी अर्थ में जितने लोग हैं वो 65 साल के हो गए। तो ये जादू कैसे हो रहा है? ये लॉ ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है। और ये प्रकृति का नियम बस यूँ रैंडमली काम नहीं करता है कि अगर आप कहीं किसी और प्लैनेट में किसी और दूर जाओ तो अलग तरीके से टाइम चलेगा, कहीं और कुछ और अलग तरीके से टाइम होगा। एक प्रॉपर सेट सिस्टम है, उस सेट सिस्टम को हम समझते हैं मैथ्स की भाषा में, और वो एक फॉर्मूला है टाइम डायलेशन का। और इस फॉर्मूले से, इस लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि अगर आप स्पेस में कहीं दूसरे प्लैनेट्स में जाएंगे तो कितना टाइम डायलेशन होगा, आप वापस लौट के आएंगे तो कितना वक्त गुजर चुका होगा। तो बेसिकली ये जो तरीका है, ये मैथ्स एक लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में लॉज ऑफ नेचर लिखे गए। जिस तरीके से एटम्स बनते हैं, एटम्स के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के बादल घूमते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये सब मैथ्स की भाषा में लिखे गए हैं। जो मैजिक ऑफ थिंग्स होता है, यानी कि उसी एटम में 3 प्रोटॉन होते हैं तो वो लिथियम बनाता है, काले रंग की एक चीज़। उसी एटम में जब 26 प्रोटॉन हो जाते हैं तो वो लोहा बना देता है। उसी एटम में जब 47 प्रोटॉन्स होते हैं तो वो चांदी बना देता है। उसी एटम में जब 79 प्रोटॉन्स होते हैं तो वो सोना बन जाता है। तो ये जो मैजिक ऑफ थिंग्स है, ये भी बेसिकली इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, मैथ्स की भाषा में लिखा गया है। जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, जो हमारा डीएनए बना है, डीएनए का स्ट्रक्चर जहाँ से लाइफ इवॉल्व हो पाती है, इसके अलावा जो सीक्रेट ज्योमेट्री है, वो एनर्जी जब कन्वर्ट होती है मैटर में तो कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स, कुछ पर्टिकुलर शेप्स लेती है, कुछ अलग अलग तरह के रेशियो प्रोपोर्शंस में ये दुनिया बनी है। तो अगर आप ये तमाम सब चीज़ें भी देखें तो ये भी मैथ्स की भाषा में लिखे गए हैं। और जो सिग्नेचर ऑफ गॉड्स हैं, यानी कि ऐसे साइन सिंबल्स जो हमें हमारी बॉडी में भी नज़र आते हैं, पेड़ पौधों में भी नज़र आते हैं, और हमारे बॉडी और यूनिवर्स में भी नज़र आते हैं, ये सब चीज़ें मैथ्स की लैंग्वेज में आती हैं। और मैथ्स ये भाषा है जिस भाषा में ये यूनिवर्स लिखा गया है, और मैथ्स ही वो भाषा है जिस भाषा से हम इस यूनिवर्स को समझ पाते हैं। अब जैसे कि मैथ्स का इस्तेमाल करके हमने बहुत सारे शाश्वत सत्यों को जाना, जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ वक्त पहले तक, कुछ सैकड़ों साल पहले तक हमें ये लगता था, हम इंसानों को, कि ये जो धरती है
सिर्फ इकलौता यही एक प्लैनेट है, यहीं पे लाइफ है, सिर्फ हम इंसान हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। भगवान ने हम इंसानों को खास तौर पे बनाया है और यही है जो सब कुछ है, हमें दिख रहा है। लेकिन इस मैथ से और इस साइंस से हम जान पाए उन शाश्वत सत्यों को कि एक टाइम था जब कुछ भी नहीं था, फिर बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद फिर करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बनी, हर गैलेक्सी में फिर करोड़ों अरबों तारे बनते रहे, टूटते रहे, और हर तारे के इर्द गिर्द आसपास प्लैनेट्स बनते हैं, उन प्लैनेट्स में लाइफ बनती है। तो हम अकेले नहीं हैं और ये पूरी जितनी भी क्रिएशन है, जितना भी संरचना है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसे जो बड़े ट्रूथ ऑफ लाइफ हैं, ये सब हम समझ पाए जब हम मैथ्स की भाषा सीखने लगे, जब हम साइंस की भाषा सीखने लगे। और ये जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस तरीके से हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तब भी वो टूटे नहीं, वो हवा को भी झेल जाए, जितने हमने डैम्स बनाए हैं, पानी को रोका है, इरिगेशन किया है, जो हमारी कार्स हैं, जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट्स हम यूज़ करते हैं, ये सब तमाम चीज़ें मैथ्स के दायरे में आती हैं। मैथ्स हमने जब सीखना शुरू किया तभी हम ये सब चीज़ें कर पाए। जो डीएनए इंजीनियरिंग है, क्वांटम कंप्यूटर्स है, अब एआई बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का बेस मैथ्स है। जो हमारी इकोनॉमिक्स है, पूरी दुनिया पैसे रुपए पे चलती है, ये पूरी इकोनॉमिक्स मैथ्स पे बेस्ड है। तो हम इंसानों ने किस तरीके से इस नेचर को समझा, मैथ्स की भाषा को समझना शुरू किया, नई चीज़ें सोचना, इवॉल्व करना शुरू किया। अब एक और बहुत खास चीज़, मैथ्स एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, ये तो हमने समझ लिया। अब भाषा तो हमारी दुनिया में सैकड़ों हजारों भाषाएं हैं। अगर किसी भी भाषा को बोलने वाले लोगों को अगर आप गायब कर दें और उस भाषा में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को भी आप गायब कर दें, तो वो भाषा भी गायब हो जाएगी और वो भाषा शायद दोबारा से भविष्य में नहीं आ पाएगी। और यही चीज़ सच है तमाम अलग अलग धर्मों के लिए भी। अगर आप किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को गायब कर दें, उस धर्म में लिखी हुई सारी किताबों को भी अगर आप गायब कर दें, तो शायद वो धर्म भी खत्म हो जाएंगे, वो धर्म गायब हो जाएंगे। हाँ, अगर वो धर्म किसी अवतार से आए हैं, किन्हीं पैगंबरों से आए हैं, तो हो सकता है भविष्य में वो अवतार फिर से धरती में आए, वो पैगंबर फिर से धरती में आए, फिर से इंसानों को एक मैसेज दें। लेकिन जब दोबारा से ये धर्म आएंगे धरती पे, तो क्योंकि जब अब की बार ये अवतार या पैगंबर इंसानों को जब कुछ मैसेज देंगे, कुछ संदेश देंगे, तो अब की बार इंसान थोड़े अलग तरीके से उन चीज़ों को समझेंगे, इंसानों का समाज जो है वो अलग तरीके से बनेगा। तो अब की बार भले ही वही अवतार वही पैगंबर रहे, लेकिन अब की बार जब नया धर्म बनेगा, वो नया धर्म थोड़ा सा अलग होगा। तो ये चीज़ एक तरफ है। अब जबकि मैथ्स और साइंस की अगर आप बात करें, तो जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जिन्हें मैथ्स और साइंस पता है, अगर आप उन तमाम सारे लोगों को गायब कर दें, मैथ्स और साइंस की जितनी किताबें लिखी गई हैं अगर आप इनको भी गायब कर दें, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स और साइंस खत्म हो जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा सैकड़ों सालों बाद, हजारों सालों बाद, जब दोबारा से ये मैथ्स और साइंस डेवलप कर जाएगा। और सबसे खास चीज़ ये है कि जो मैथ्स और साइंस दोबारा से डेवलप होगा, ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा अभी चल रहा है। क्योंकि मैथ्स और साइंस ये इंसानों के हाथ में नहीं है, इंसान बस समझते हैं। मैथ्स और साइंस ये भगवान की भाषा है जिसको इंसान समझ रहे हैं। और यहीं से एक और दूसरी बात स्टेम करती है कि हम इंसान इस पूरी दुनिया में हमने बहुत सारे डिविजन्स बना रखे हैं कि हम सब अलग अलग देशों के हैं, हम सब अलग अलग धर्मों से आते हैं, हम सब अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं, हम सब अलग अलग खाना खाते हैं, हमारे कस्टम्स अलग अलग हैं, हमारे सोचना विचारना जिंदगी जीना हर चीज़ अलग है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, मैथ्स और साइंस ये सारे इंसानों को जोड़ती है। और ये सिर्फ इंसानों को नहीं, जैसा कि हम ये चीज़ देख चुके हैं कि हमारे अर्थ के जैसे करोड़ों अरबों प्लैनेट्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हैं, और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे करोड़ों अरबों गैलेक्सीज और हैं। तो सोचिए, हर प्लैनेट में ना जाने कितने तरह की भाषाएं, ना जाने कितने तरह के धर्म होंगे, लेकिन मैथ्स और साइंस
तमाम सारे प्लैनेट्स के लिए जितने भी इंटेलिजेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं सब के लिए सेम है, क्योंकि एनीथिंग अंडर द क्रिएशन ऑफ गॉड, कोई भी चीज जिस चीज को भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, वो इस मैथ्स और साइंस के दायरे में आते हैं। तो अब आपको मैथ्स का एक हल्का फुल्का आइडिया लग चुका होगा कि मैथमेटिक्स चीज क्या है, गणित चीज क्या है। तो अब यहाँ से हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक मैथमेटिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो वैसे तो मैथ्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। बेसिक तौर पे क्लास सिक्स में आपने अरिथमेटिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अरिथमेटिक होता है स्टडी ऑफ नंबर्स। जब आप नंबर्स के बारे में जानते हैं, ज्योमेट्री आपने पढ़ी है, ज्योमेट्री में हम अलग अलग शेप्स के बारे में जानते हैं। आप अब पढ़ेंगे एलजेब्रा, एलजेब्रा में हम अननोन नंबर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जिसमें आप एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसी कई सारी ब्रांचेस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ये बेसिकली स्टार्ट हुई 1500 BC के आसपास, यानी कि आज से करीब 3500 साल पहले, और शुरुआत हुई इसकी इजिप्ट में। जब इजिप्ट में अलग अलग कैलकुलेशंस करने के लिए नंबर्स की जगह सिंबल्स का यूज़ होना शुरू हुआ, जब अलग अलग सिंबल्स का वो यूज़ करने लगे, वहाँ से शुरू हुआ अलजेब्रा का। इसके बाद करीब करीब 300 BC के आसपास तक आते आते इंडियन सिविलाइजेशन में यहाँ पे अलजेब्रा यहाँ डेवलप होना शुरू हुई, और यहाँ पे बीज गणित के नाम से शुरू हुई। और उस ज़माने में इंडियन सिविलाइजेशन एक क्रेडल था नॉलेज का और लर्निंग का। तो उस टाइम पे इंडियन सिविलाइजेशन में बहुत सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए, जैसे कि आर्यभट्ट हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, महावीर, भास्कर, ऐसे कई सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए। इन्होंने अपने अपने काम जोड़े, अलजेब्रा के डेवलपमेंट हुआ। और इस टाइम पे जो अननोन नंबर्स के लिए, यहाँ पे तो इजिप्शियन लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, जो इंडियन मैथमेटिशियंस थे वो अननोन नंबर्स को दिखाने के लिए अलग अलग रंगों के नाम देते थे। इसके बाद अब जब इंडियन सिविलाइजेशन में अलजेब्रा थोड़ी और डेवलप हुई, उसके बाद वक्त जैसे आगे बढ़ा तो 1500 AD के आसपास जो अरेबिया का हिस्सा है, वहाँ ऑटोमान एम्पायर जब हुआ, तो ऑटोमान के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने फिर अलजेब्रा को और ज़्यादा डेवलप करना शुरू किया। जितना पहले काम हो चुका था उन्होंने उन चीज़ों को सीखा और भी ज़्यादा डेवलप किया। और अलजेब्रा यहाँ पे अरेबिक जो एरिया है ऑटोमान वाला, यहाँ पे उसका नाम दिया गया अलजब्र। और अलजब्र इस नाम को फिर लिया यूरोपियंस ने। जब यहाँ से अलजब्रा गई यूरोपियंस के पास, तो यूरोपियंस ने अलजब्र नाम से बनाया फिर अलजेब्रा। इस तरीके से अब आपको आइडिया लग गया होगा अलजब्रा के नाम का और अलजब्रा के ओरिजिन का। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अलजब्रा बेसिकली है क्या। तो अलजब्रा ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं अननोन नंबर्स के बारे में, यानी कि जिन नंबर्स के बारे में हमें पता नहीं है कि वो नंबर है क्या। अब एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाएंगे। मान लीजिए किसी कमरे में चार लोग हैं और इन चारों लोगों को भूख लगती है और ये सोचते हैं कि खाने के लिए पिज्जा मंगाया जाए। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक पिज्जा है और इस पिज्ज़ा के चार टुकड़े हैं, चार स्लाइसेस हैं, 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए सिस्टम ये है कि चार लोग हैं और हर बंदा जो है वो कहता है कि मुझे 2 स्लाइसेस खानी है, तो कितने पिज्ज़ा मंगाने पड़ेंगे। तो 2 स्लाइसेस हर आदमी खाएगा तो चार लोग मिलके 8 स्लाइसेस खा पाएंगे। 8 स्लाइसेस का मतलब कितने पिज्जा हमें चाहिए, हमें 2 पिज्जा की जरूरत होगी। तो ये तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब अननोन नंबर्स का क्या मतलब, किस सेंस में, अगर मान लीजिए कहा जाए कि हमारे पास 32 स्लाइसेस हैं किसी पिज्जा के, 32 स्लाइसेस, और हमारे पास लोग हैं 8, तो बताओ एक आदमी पे कितनी स्लाइस आएगी। या इस चीज को हम इस तरीके से भी टर्न कर सकते हैं कि मान लीजिए 12 लोग हैं, 12 लोग में से अब हर आदमी 5 स्लाइस खाएगा तो हमें कितने पिज्जा चाहिए। तो ये क्या है, ये अननोन नंबर्स हैं, ये कोई नंबर ही होगा।
ये या फिर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, चार, पांच, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर ही होगा। तो अब जब हम बार बार इस चीज को लिखेंगे या लिखना चाहेंगे तो हम बार बार यहाँ पे कैसे हम दिखाएंगे कि यार ये एक नंबर है? हम कब तक क्वेश्चन मार्क लिखते रहेंगे हर जगह पे? और हम कैसे ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क अलग है, दूसरा क्वेश्चन मार्क अलग है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसी जगहों पे जो जगहें बेसिकली नंबर हैं वहां पे हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहां पे अगर ए लिख दें तो ए का मतलब है कि ये एक डिजिट है। डिजिट कुछ भी हो सकती है लेकिन उस डिजिट का नाम हमने दे रखा है ए। तो इस तरीके से जो अननोन नंबर्स हैं, जिन नंबर्स के बारे में हमें पता नहीं है, हम उनका नाम रख सकते हैं। अब जैसे हमने ए रखा, यहां पे हम नाम रख सकते हैं बी। तो हमें पता है कि ये भी एक डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी कुछ हो सकती है, ये भी कुछ हो सकती है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। तो इस तरीके से अननोन नंबर्स हम पता लगाते हैं अलजेब्रा में। अब इसके अलावा हम अलजेब्रा का यूज कैसे कैसे करते हैं? अलजेब्रा का यूज हम बेसिकली करते हैं अलग अलग पैटर्न्स को डिनोट करने के लिए। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझिएगा। अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लाई करना या गुणा करना, तो अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन या गुणा करते हैं 0 के साथ तो आंसर आएगा 0। इसी तरीके से अगर हम 2 का इंटू करें 0 से तो भी आंसर आएगा 0। अगर कुछ नहीं को हम 2 गुना कर दें तब भी वो कुछ नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हम 5 का इंटू करें 0 से तो ये भी 0 होगा। तो अब आप एक पैटर्न देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का या किसी भी डिजिट का अगर हम मल्टीप्लिकेशन या गुणा करें 0 के साथ तो आंसर 0 ही आएगा। तो ये एक तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो हम इस पैटर्न को जनरलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से? हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी नंबर हो, उस नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन 0 से करें तो आंसर आएगा 0। अब यहां पे ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 60, 120 कुछ भी हो सकता है। तो हम कब तक ये क्वेश्चन मार्क लिखेंगे? तो हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हम मान लीजिए ए लिख दें तो ये एक तरीके का जनरलाइजेशन हो जाता है कि कोई भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आंसर आएगा 0। और अगर आपको ए नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह बी यूज कर लीजिए। आपको बी सही नहीं लग रहा है तो आप बी की जगह इसको एक्स कर दीजिए। आप ये आप पे है। ये अल्फाबेट्स दिखाते हैं कि यहां इसकी जगह में कोई डिजिट है, लेकिन ये बस एक टैग है कि उस टैग दे दिया है आपने, आप टैग बदल भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक पैटर्न्स की हम बात करें तो जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई क्लास है, उस क्लास में 20 लोग हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, और हर स्टूडेंट को हमें हाथ में पहनने वाला बैंड देना है, दोनों हाथों में पहनने वाले बैंड देने हैं। तो अब हमें बैंड देने हैं, बैंड बांटने हैं इन 20 स्टूडेंट्स को। तो अब कितने बैंड्स की हमें जरूरत होगी? तो जैसे 20 स्टूडेंट्स एक के बाद एक लाइन में खड़े हैं तो आप क्या करेंगे? आप गिनना शुरू करेंगे कि ये पहला स्टूडेंट, इसके दो हाथ हैं तो इसको दो बैंड चाहिए, दूसरा स्टूडेंट दो हाथ हैं तो इसको भी दो बैंड चाहिए, तीसरा स्टूडेंट इसके भी दो हाथ हैं इसको भी दो बैंड चाहिए। इस तरीके से आप दो को जोड़ते जाएंगे, आप 20 बार जोड़ेंगे तो आपको फिर आंसर मिलेगा कि हमें 40 बैंड्स की जरूरत है। अब मान लीजिए अब अगले दिन क्लास में 40 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। अब जब 40 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो क्या आप दोबारा से ये काम करते रहेंगे कि आप हर किसी के गिनते रहेंगे कि दो 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 दो, इस तरह कब तक आप गिनते रहेंगे? मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हो गए तो क्या आप 1000 बार गिनते रहेंगे? तो इस चीज का एक जनरलाइजेशन बनाया जा सकता है कि हर स्टूडेंट को दो बैंड्स की जरूरत होगी, तो कितने बैंड्स की जरूरत होगी? इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट को दो बैंड्स की जरूरत है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये यहां से हमें मिल जाएगा, हमें इतने बैंड्स की जरूरत है। और क्वेश्चन मार्क की जगह
आप यहां लिख दीजिए एन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां मैंने एन यूज किया है। तो ये एक जनरलाइजेशन बन गया कि कितने बैंड हमें चाहिए, जितने स्टूडेंट्स होंगे उनका दो गुना, 2 into n। तो अब अगर 40 स्टूडेंट्स हुए तो आपको 40 बार गिनना नहीं पड़ेगा, आप सीधा 40 यहां रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि 80 बैंड्स की जरूरत है, यानी कि 80 बैंड्स की जरूरत है अगर यहां 40 बच्चे हैं। अगर अगले दिन मान लीजिए 1225 स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो आप 1225 बार नहीं जोड़ेंगे, आप 1225 यहां रखेंगे। ये जनरलाइज्ड मेथड है, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ बैंड्स पता चल जाएंगे। तो ये अलजेब्रा का सबसे सिंप्लीफाइड और बेसिक एग्जांपल्स हैं ये समझने के लिए। इसी तरीके से एक और पैटर्न का एग्जांपल लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिया है कि माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके इस तरीके से एल बनाया गया है और कई सारे एल बनाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने माचिस की तीलियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप एक पैटर्न बना सकते हैं कि अगर एक एल बना है तो इसमें 1, 2 यानी कि 2 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये एल है और ये मैच स्टिक है, मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीलियां। जब 2 एल बन रहे हैं तो यहां पे फिर से 2 और मैच स्टिक या तीलियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पे टोटल 4 तीलियों का इस्तेमाल हो रहा है। जब 3 एल बन रहे हैं तो यहां पे टोटल 6 तीलियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं, एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि जितने एल होंगे उसका 2 गुना होंगी जितनी तीलियां इस्तेमाल हुई हैं। तो अगर मान लीजिए n कोई नंबर है, यानी कि हो सकता है कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी l बनेंगे, तो मान लीजिए n l बन रहे हैं तो कितनी तीलियों का इस्तेमाल होगा, 2n। जितने l बन रहे हैं उसकी 2 गुना तीलियों का इस्तेमाल होगा। ये एक जनरलाइजेशन आप कर सकते हैं। और इसी जगह पे मान लीजिए अलग तरीके से कुछ और फिगर बना होता, मान लीजिए यहां पे भी एक तीलियां हमने जोड़ दी होती, तो अब एक बार ये शेप बन रहा है तो हमें 3 तीलियों की जरूरत पड़ रही है, दूसरी बार ये शेप बन रहा है तो फिर से 3 तीलियों की जरूरत पड़ रही है। तो अब की बार अगर n बार ये शेप बन रहा है तो हमें 3 times तीलियों की जरूरत होगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है और यही चीजें रिपीट होंगी, बस फॉर्म्स थोड़े अलग होंगे। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ एब्रीविएशंस को समझ लेते हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना, थोड़े छोटे फॉर्म में लिखना। क्योंकि जब मैथ्स आप लिखते हैं, मैथ्स में कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना अगर आप बड़ा बड़ा लिखते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम होगी सॉल्व करते टाइम। तो इस वजह से कोशिश करी जाती है कि हर चीज़ को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाए कि कम से कम इस्तेमाल हो मेहनत कि आप ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। तो इस चीज को कहते हैं एब्रीविएशन, यानी कि चीजों का शॉर्ट फॉर्म बनाना। जैसे कि लॉस एंजलिस, ये एक शहर का नाम है, तो आप बार बार लॉस एंजलिस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया LA। तो जैसे ही आप कहेंगे कि मैं LA गया, तो LA से लोग समझ जाएंगे लॉस एंजलिस। तो LA क्या है, ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है लॉस एंजलिस का। तो ये मतलब होता है एब्रीविएशन का। अब कुछ एब्रीविएशंस हम देखते हैं जो हम मैथ्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये रही कि मान लीजिए कोई नंबर है पी, ये पी कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ये नंबर। तो अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे 2 के साथ, तो आप इसे हमेशा पी इंटू 2 नहीं लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे 2p। तो कहीं पे भी अगर 2p लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि p को 2 गुना किया जा रहा है। अब इसी तरीके से अगर p इंटू 3 हो जाए तो ये 3p हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, हर जगह इंटू वर्ड नहीं यूज किया जाता। अगर दो चीजें ऐसे लिखी हैं पास पास में तो समझ जाइए इन दोनों के बीच में इंटू हो रहा है, यानी कि गुणा हो रहा है। अब इसी तरीके का एक एब्रीविएशन है x/4, यानी कि किसी भी नंबर का डिवीजन किया गया है या भाग दिया गया है 4 से, यानी कि किसी भी चीज के 4 भाग किए गए हैं, तो उस चीज को हम लिखेंगे x/4 इस फॉर्म में। ये जो साइन है ये डिवीजन का साइन है,
कि x जो नंबर है इसके चार टुकड़े किए जा रहे हैं, इसको चार बार भाग दिया जा रहा है। इसी तरीके से अब एक और एब्रीविएशन है, 1 into a, यानी कि किसी भी संख्या का गुणा किया गया है एक के साथ, तो वो आंसर आता है वही जो संख्या होती है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 1 का हम इंटू करते हैं 2 के साथ तो आंसर आता है 2। तो यही चीज है कि कोई भी नंबर उसको मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ तो आंसर वही नंबर आएगा। और इस चीज का एक लॉजिकल टर्म ये है कि एक को हम ए बार जोड़ते हैं, यानी कि 1 + 1 + 1 करके हम ए बार जोड़ेंगे तो आंसर आएगा ए। अब इसी चीज का अगला देखते हैं, a into a = a² किसी भी संख्या को अगर आप गुणा करें या मल्टीप्लाई करें उसी के साथ तो इसे कहेंगे a² एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप 5 को इंटू करिए 5 के साथ तो इसे कहेंगे 5 और ऊपर लिखेंगे 2, यानी कि 5 का स्क्वायर, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग, और 5 स्क्वायर ये होगा 25। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 5 का गुणा 3 बार करते हैं, 5 × 5 × 5, तो इसे कहा जाएगा 5 के ऊपर आप लिखेंगे 3, यानी कि 5 का गुणा 5 से ही किया गया है 3 बार, तो इसे कहा जाएगा 5 क्यूब, या इसको घन वर्ग भी कहते हैं हिंदी में। और इसको एक और टर्म कहा जाता है 5 raised to the power 3। इसी तरीके से अगर 5 × 5 × 5 × 5 चार बार 5 का खुद से इंटू किया गया तो इसे कहेंगे 5 to the power 4, 5 to the power 4, यानी कि 5 का खुद से इंटू किया गया है 4 बार। तो ये एक रूल है, तो जैसे ही आप स्क्वायर देखें कहीं पे तो आप समझ जाएंगे उसका खुद ही से इंटू किया गया है। अब अगला रूल है a into b = ab = ba। अब इसका क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप 3 × 2 करें तो आंसर आएगा 6, तो यहां पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और आंसर है 6। तो अब आप इसे 2 × 3 भी कर दें तब भी ये 6 होगा। तो इस वजह से जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आप चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में चीजें एक्चुअली एक टर्म बन जाती हैं। तो इसीलिए कहा गया है 3 × 2 आप लिखेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी, यानी कि बीच में इंटू हो रहा है, और इसको आप बी ए भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, ये एक ही बात होगी। और यही चीज को थोड़ा सा बढ़ाया गया इस पॉइंट में कि a × b × 6 = 6ab, यानी कि 6 × a × b, और क्योंकि इंटू में सब चीज एक ही यूनिट पे आ जाती है इस वजह से 6ab को आप 6ba भी लिख सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हर चीज सेम हो जाती है। और यहां ध्यान देने वाली चीज ये है कि जैसे 6ab है, 6ab में जो 6 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि 6 हमेशा 6 ही रहेगा, 6 कभी 7 नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो a और b हैं ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स यानी कि ये वेरी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि a कुछ भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो a b ये दोनों वेरिएबल्स हैं, 6 जो है ये कांस्टेंट है। और जब भी आपको कभी वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साथ लिखने हो तो बेसिकली एक कन्वेंशन है, एक तरीका है लिखने का कि आप पहले कांस्टेंट लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल्स लिखते हैं। जैसे कि अगर आप इस चीज को a 6 b भी लिख दें तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप 6 पहले कर दें, a b लिख दें, थोड़ा इजी हो जाता है पढ़ने में, सुनने में, देखने में। और इसी तरीके से अगर 3 वेरिएबल्स ले आए, आप a × b × c × 6 कर दें तो भी ये चीजें सेम रहेंगी, इसका इंटू होगा 6 a b c। आप लिखने को तो 6 c a b भी लिख सकते हैं, आप 6 b c a भी लिख सकते हैं, लेकिन
एक कन्वेंशन के तौर पे पहले कांस्टेंट रखना है और फिर अल्फाबेटिकल आप लिख देंगे तो सही रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स जो अरिथमेटिक से आए हैं, मैथ्स के वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स जहां अरिथमेटिक हमने पढ़ा है। तो जैसे कुछ रूल्स हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जैसे कि आप 2 प्लस 3 करो तो इसका आंसर है 5, और इसी की जगह आप 3 प्लस 2 कर दो तब भी आंसर रहेगा 5। तो आप पहले कौन से डिजिट रखते हो, बाद में कौन सा डिजिट रखते हो, ये मैटर नहीं करता जब आप प्लस कर रहे हो और इनटू कर रहे हो दोनों चीज़ों में। तो इनटू का तो हम देख चुके हैं, प्लस में भी ये चीज़ होती है कि a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो, और यही चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है कि 3 इंटू 2 करिए चाहे 2 इंटू 3 करिए, दोनों बातें सेम है। अब इसके बाद अब एक ही जगह पे अगर 2-3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हो जाए और एक से ज़्यादा या 2 या 3 ऐसे मल्टीप्लीकेशन या डिविजन्स ऐसी चीज़ों का यूज़ हो जाए तो फिर क्या करना है। यहाँ पे एक छोटा सा रूल आता है जिस रूल का नाम है बॉडमास रूल। बॉडमास रूल के बारे में अभी हम थोड़ी देर में फिर से डिस्कशन करेंगे, इस वजह से यहाँ मैं बहुत कम बताऊँगा इसे। तो ये जो बॉडमास रूल होता है, ये बॉडमास रूल कहता है कि जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। 20 का मतलब है ब्रैकेट, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर जो है आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तब ब्रैकेट आप खोलिए। और अगर आपको ब्रैकेट इस तरीके से सॉल्व करके नहीं खोलना है, आपको नॉर्मल तौर से खोलना है, तो इस तरीके से ब्रैकेट खुलेगा कि a इंटू बी पहले आप करेंगे, फिर आप करेंगे प्लस, ये जो प्लस आया है ये प्लस दोबारा आएगा, और फिर आप a इंटू सी करेंगे ये वाला हिस्सा। ये तरीका सबसे सही रहेगा, तभी आंसर आपका सही आएगा। इस चीज़ का फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 × 15, इसका आंसर होता है 30। अब 15 को हम एक ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 5 लिख सकते हैं कि 10 प्लस 5 मिलके बना रहा है 15। तो 15 को अगर हमने 10 प्लस 5 लिख दिया और यहाँ 2 से इंटू कर दिया तो आंसर 30 ही आना चाहिए। तो अब ये 30 कैसे आएगा, अगर मान लीजिए हम 2 का इंटू 10 से करें, 20 लिख दें और यहाँ पे प्लस कर दें और 5 लिख दें, 2 का इंटू इससे ना करें, तो आंसर आएगा 25। ये आंसर गलत हो जाएगा। यही चीज़ अगर हम ऐसे करें कि 2 का इंटू हम 10 से ना करें, 10 को हम एज इट इज़ रख दें और 2 का इंटू हम 5 से करें, फिर से 10 कर दें, तो आंसर आएगा 20। ये भी गलत आंसर है। तो इस वजह से जब भी हम किसी नंबर को खोल रहे हैं, ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट से किसी चीज़ का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि 2 का इंटू हो रहा है तो 2 का इंटू पूरे 15 से होगा, तो 2 का इंटू जब पूरे 15 से होगा तो 2 का इंटू इस 10 से भी होगा, 2 का इंटू इस 5 से भी होगा और बीच में प्लस है। तो वही चीज़ कही गई है कि a का इंटू b से भी होगा और a का इंटू c से भी होगा और इन दोनों के बीच में प्लस है। अगर इस प्लस की बजाय माइनस होता तो फिर यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस हो जाता। अब इसी चीज़ का अगला देखते हैं। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। अब बॉडमास रूल में ये ब्रैकेट होता है ऑफ, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिविजन यानी कि भाग देना, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन यानी कि प्लस करना, सब एस का मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना। तो अब अगर एक ही लाइन में आपको अलग अलग वेरिएबल्स और अलग अलग ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साइन मिले तो पहले आप क्या करेंगे, आप सीरीज देखेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन, डिवीजन भी यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और a इंटू बी का मल्टीप्लाई होता है ए बी, उसके बाद फिर आप प्लस करेंगे c से। अब इसी तरीके से अगला देखते हैं, 4ab माइनस 3 इंटू सी। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4 इंटू ए फिर मल्टीप्लीकेशन इंटू बी, तो ये एक यूनिट बन गई 4ab और 3 इंटू सी, ये एक यूनिट बन गई।
तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, इसको सॉल्व करके एक यूनिट यहां लाएंगे, इसको सॉल्व करके एक यूनिट यहां लाएंगे, तब आप माइनस करेंगे इन दोनों का। तो ये तरीका है, इस तरीके से मैथ्स की भाषा चलती है। और क्योंकि ये अरिथमेटिक की चीजें हैं, इस वजह से आपको कुछ और चीज एक्स्ट्रा बता दूं, ये जो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इन दोनों चीजों को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। वैसे इस तरीके से याद होना जरूरी नहीं, लेकिन बस पता होना चाहिए कि इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव यानी कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन बाद में कौन। और ये जो चीज है, इस चीज को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि किसी एक ये जो डब्बा है, डब्बे का मतलब इस डब्बे के अंदर जो चीज है वो एक यूनिट है। तो इस डब्बे से अगर इस किसी भी चीज का इंटू होगा तो पूरे डब्बे से होगा, तो इसके अलग अलग पार्ट से भी होगा, तो मतलब ये इंटू डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इस वजह से इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ये जो भी फंक्शन होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि अलजेब्रा का यूज करके हमें कुछ एक्सप्रेस करना है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आई है तो हमें कुछ बताना है कि ये कैसे करेंगे, तो इस चीज को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे अलजेब्रा में। अब जैसे कि अगर कहा जाए कि 5 एडेड टू y, यानी कि y ये जो है ये कोई नंबर है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक डब्बे में आम रखे हैं, कई बहुत सारे आम हैं, लेकिन कितने आम हैं आपको नहीं पता, तो वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी होगा, नंबर ही होगा। उस डब्बे में अगर 5 आम और डाल दिए गए तो अब कितने आम हैं? तो पहले कितने थे? y आम थे, y में 5 आम और डाल दिए गए, तो अब उस डब्बे में y प्लस 5 आम है। अगर पहले 40 रहे होंगे तो अब 45 हो जाएंगे, पहले अगर 50 रहे होंगे तो अब 55 हो जाएंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा 5 एडेड टू y का। अगर 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t कहा जाए, यानी कि t ये भी कोई नंबर है, इससे सब्ट्रैक्ट किया गया यानी कि माइनस किया गया, और क्या माइनस किया गया? 7। यानी कि एक डब्बे में टी चीजें पड़ी थी, उसमें 7 चीजें हमने ले ली, तो अब डब्बे में टी माइनस 7 चीजें हैं। इसी तरीके से ए मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि कोई नंबर है ए, इस नंबर का मल्टीप्लाई किया गया है 10 के साथ, यानी कि इसे 10 गुना किया गया, तो ये बन जाएगा 10a। एक्स डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कोई नंबर है एक्स, इसको डिवाइड किया गया है 3 से, यानी कि एक्स के 3 हिस्से किए गए हैं, तो x डिवाइडेड बाय या x बाय 3। q डिवाइडेड बाय -5, यानी कि q एक नंबर है और इस q नंबर को डिवाइड किया गया है -5 के साथ। फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट। अब ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा, फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, x का इंटू किया 3 के साथ, देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों का जब इंटू किया जाता है, तो इस प्रोडक्ट में ये जो डब्बा बना है ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में हमने 2 जोड़ा है, तो क्या बना है, फर्स्ट x मल्टीप्लाइड बाय 3, देन 2 एडेड टू द प्रोडक्ट। अब क्योंकि हम बार बार x इंटू 3 नहीं लिखेंगे, हम 3x लिखेंगे इसे, 3x प्लस 2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना 3x प्लस 2। फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2, देन 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी कि जो y है, y को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में फिर हमने माइनस किया है 5, तो अब इस चीज को हम y इंटू 2 को हम लिखेंगे 2y माइनस 5। तो इस तरीके से जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कहा जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज से हम मैथ्स की लैंग्वेज बनाएंगे। अब हम इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जहां इंग्लिश वर्ड्स में हमें कुछ कहा जाएगा और हमें अलजेब्रा यानी कि मैथ्स की भाषा में उसे कन्वर्ट करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि आपके NCERT में क्लास 6 के लेवल पे जो जो भी वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं, जैसे 1/3 ऑफ द सम ऑफ x एंड y,
अब इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, 1/3 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, यानी कि हमें x एंड y का सम करना है। सबसे पहली चीज तो ये x प्लस y, अब इसका क्या करना है 1/3, यानी कि किसी भी चीज का 1/3 कब करते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज है 1/3 यानी कि डिवाइडेड बाय 3, तो अब हमें सम ऑफ x एंड y यानी कि ये जो डब्बा बन रहा है इसका हमें करना है डिवाइडेड बाय 3 इस पूरे डब्बे का। आपको ये गलती नहीं करनी है कि x डिवाइडेड बाय 3 कर दो प्लस y कर दीजिए, या फिर x प्लस y कर दीजिए यहां y के नीचे डिवीजन, नहीं। इस पूरे प्रोडक्ट, ये जो सम ऑफ x एंड y है, ये जो पूरा ये ब्रैकेट बन रहा है इसके नीचे डिवाइडेड बाय 3 आएगा। अब अगला एग्जांपल है 5 लेस देन द कोशेंट ऑफ x एंड y। अब ये कोशेंट का क्या मतलब होता है, कोशेंट का मतलब होता है अगर जब आप डिवीजन करते हैं, अगर आप y को डिवाइड कर रहे हैं x के साथ, तो डिवाइड करने में जो ऊपर यहां जो डिजिट आती है इस चीज को कहते हैं कोशेंट, ये जो लिखा है, और ये डिवीजन करने के बाद लास्ट में अगर यहां कुछ बचता है इसे कहते हैं रिमाइंडर। जिस चीज को डिवाइड किया गया है इसे कहते हैं डिविडेंड, और जिस चीज से डिवाइड किया जाता है इसे कहते हैं डिवाइजर। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, बस थोड़ा सा याद करा दे रहा हूं। तो कोशेंट कहा गया है यानी कि हमें वाई और एक्स इनका डिविजन करना है। तो यहां क्या कहा गया है, 5 लेस देन द कोशेंट ऑफ x एंड y, यानी कि x को हमें डिवाइड करना है y से, तो ये हमें निकल जाएगा कोशेंट। और कोशेंट का हमें क्या करना है, 5 लेस देन यानी कि इस कोशेंट में 5 माइनस करना है। अब अगला है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू द सम, यानी कि सबसे पहले हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, यानी कि x इंटू y। अब हम बार बार इंटू नहीं लिखेंगे, तो हम सीधा इसे लिखेंगे एक्स वाई, और एडेड टू देयर सम, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम, यानी कि हमें इसे ऐड करना है इनके सम के साथ, यानी कि फिर से एक डब्बा जिसमें एक्स प्लस वाई कि ये प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है, प्रोडक्ट को हमें ऐड करना है इनके सम के साथ, यानी कि x प्लस वाई इनके जोड़ के साथ। तो इस चीज को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको सीधा हम x y लिखेंगे प्लस x प्लस y। अब अगला एग्जाम्पल है सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। अब इस चीज को हम अलजेब्रा में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अमीना ये जो है इनके पास कुछ मार्बल्स हैं और सरिता के पास इनसे 10 मार्बल्स ज्यादा हैं। अब जैसे अमीना के पास अगर 10 मार्बल हैं तो सरिता के पास 10 मार्बल ज्यादा हैं, यानी कि जितने अमीना के पास हैं वो तो हैं ही, इससे 10 और ज्यादा हैं। अगर अमीना के पास 50 मार्बल हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, 50 तो होंगे ही, 50 में 10 ज्यादा होंगे। ये एक पैटर्न चल रहा है। तो अब यहां पे ये नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अमीना के पास 10 है कि 20 है कि 50 है कि कितने हैं, लेकिन अगर हम इसे एक डिजिट दे दें कि अमीना के पास अगर n मार्बल हैं, n, तो सरिता के पास कितने होंगे, n प्लस 10। और ये जो हमें अलजेब्रा से ये जो नॉलेज हमें मिली कि n और ये n प्लस 10, इस चीज का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। अभी तो जैसे कि इस चीज में n वेरिएबल है, ये n भी वेरिएबल है, अगर यहीं पे सवाल में ये पूछ लिया जाए या ये बता दिया जाए कि अमीना और सरिता दोनों के मार्बल्स अगर मिला लिए जाएं तो दोनों के पास 50 मार्बल हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कह दिया जाता तो क्या होता, अमीना के पास n मार्बल हैं, सरिता के पास कितने हैं, n प्लस 10। और अगर कह दिया जाता कि दोनों के मार्बल मिला के 50 मार्बल हैं तो कितने मार्बल हैं अमीना और सरिता के पास, तो अब इस चीज में क्या है, n प्लस n, n को दो बार जोड़ा गया है, यानी कि 2n प्लस 10 इज इक्वल टू 50। इज इक्वल टू का मतलब बराबर, कि ये
इन दोनों के मार्बल्स मिला के बराबर हैं 50 के। तो अब इस चीज में ये n वेरिएबल है, 10 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 50 कांस्टेंट है। तो जब सब चीजें कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है तो n की वैल्यू निकल आएगी। तो जैसे ही n की वैल्यू निकलेगी आपको पता चल जाएगा अमीना के पास इतने हैं और अमीना के पास इतने मार्बल है तो सरिता के पास कितने हैं, एन में 10 जोड़ दीजिए। तो यही बेसिकली क्लास 6 के लेवल पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और यही बेसिक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का 6 क्लास के लेवल पे। अब अगला एग्जांपल है, बालू इज 3 इयर्स यंगर देन राजू, यानी कि राजू की जितनी भी उम्र है बालू की उम्र उससे 3 साल कम है। यंगर का मतलब थोड़ा उम्र में कम होना, जवान होना, उम्र माइनस करनी है हमें, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका क्या मतलब कि बालू इज 3 इयर्स यंगर देन राजू, इसका मतलब ये कि अगर राजू 10 साल का है तो बालू 3 साल छोटा है, तो बालू 7 साल का होगा। राजू अगर 15 साल का है तो फिर बालू 12 साल का होगा। राजू अगर 50 साल का है तो बालू 47 साल का होगा। 3 साल हमेशा कम रहेगा, तो राजू की उम्र कुछ भी हो सकती है, हमें राजू की उम्र नहीं मालूम। तो राजू की उम्र अगर हम, क्योंकि कुछ भी हो सकती है, तो राजू की उम्र अगर हम n ले लें कि मान लीजिए कोई नंबर है और नंबर कुछ भी हो सकता है, तो बालू की उम्र क्या होगी, बालू की उम्र होगी n-3, यानी कि जितनी उम्र राजू की है उससे 3 साल कम होगी बालू की उम्र। और ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गए दोनों की उम्र के। अभी अगर यहीं पे सवाल में ये पूछ लिया जाए कि दोनों की उम्र मिला के करीब मान लीजिए 20 साल है तो फिर क्या होगा, तो बालू की उम्र कितनी है n-3, राजू की उम्र कितनी है n, और दोनों की उम्र मिला के अगर मान लीजिए 24 साल है तो अब क्या होगा, n प्लस n यानी कि 2n-3 इज इक्वल टू 24। और यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बालू की कितनी उम्र, राजू की कितनी उम्र। इसी सवाल में अगर 24 की जगह कुछ और दे दिया गया होता तो इस तरीके से सवाल बदलते हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने निकाल लिया किसी भी चीज का तो सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, यानी कि राजू जितनी उम्र है राजू की, विकास की उम्र इससे ट्वाइस है यानी कि 2 गुना है। तो यानी कि राजू अगर 10 साल का है तो विकास 20 साल का है, राजू अगर 25 साल का है तो विकास 50 साल का होगा, इसका जस्ट 2 गुना। तो राजू की उम्र कुछ भी हो सकती है, विकास बस उससे 2 गुना है। तो राजू की उम्र मान लीजिए एन है तो विकास की उम्र क्या होगी, 2 गुना यानी कि 2 times of n। अब अगला एग्जाम्पल है, राजूज फादर्स एज इज 2 इयर्स मोर देन 3 times द राजूज एज। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, राजूज फादर्स एज इज 2 इयर्स मोर देन 3 times राजूज एज। अब यहाँ पे कुछ एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है, हम एक सिरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि धागा उलझा हुआ धागा होता है तो आप एक सिरा ढूंढते हैं वहां से फिर खींचते हैं धागा। तो यहाँ पे राजू के फादर की एज का जिक्र है और फिर कुछ कहा गया है, फिर राजू की उम्र का जिक्र है, तो हम सिरा पकड़ते हैं राजू की एज का। तो अब राजू की एज मान लीजिए एक्स है, हम इसे एक्स लेते हैं, तो कहा क्या गया है, राजूज फादर्स एज यानी कि राजू के फादर की उम्र 2 साल ज्यादा है राजू की एज के 3 गुना। यानी कि राजू की एज का अगर हम 3 गुना कर दें, 3 times राजूज एज, यानी कि राजू की उम्र का 3 गुना हम कर दें, इसमें हम +2 कर दें। क्यों? क्योंकि राजू के फादर 3 गुना से 2 साल बड़े हैं, 2 years मोर। तो यानी कि राजू की एज का 3 गुना, इसमें 2 साल और हम जोड़ दें तो यहां पे राजू के फादर की एज आ जाएगी। इस चीज को एक बार फिर से मैं समझाता हूं, राजूज फादर्स एज, राजू के फादर की उम्र क्या है, 2 years मोर देन 3 times राजूज एज, यानी कि राजू के फादर की एज 2 साल
ज्यादा है राजू की 3 गुना एज का। इस तरीके से आप क्लियर, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा कि मतलब क्या होता है। तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आए तो इस तरीके से आपको मतलब समझना है कि राजू के फादर की उम्र राजू की उम्र के 3 गुना, उसमें 2 साल जोड़ दीजिए। अब अगला एग्जाम्पल है, हाउ ओल्ड विल सूजन बी 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि सूजन अभी जितनी उम्र है उसकी 5 साल बाद उसकी क्या उम्र होगी। तो सूजन अगर मान लीजिए अगर 10 साल की है तो 5 साल 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से 5 साल बाद, तो अभी सूजन 10 साल की है तो 5 साल बाद सूजन की उम्र 15 साल हो चुकी होगी। अगर सूजन की उम्र अभी 15 साल है तो 5 साल बाद 20 साल की हो चुकी होगी। सूजन की उम्र मान लीजिए आज के टाइम 50 साल है तो 5 साल बाद सूजन की उम्र 55 हो चुकी होगी। तो अब इस चीज का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि मान लीजिए सूजन की उम्र n इयर्स है तो 5 साल बाद सूजन की उम्र n प्लस 5 हो जाएगी। ये एक पैटर्न है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा और यहां से फिर जो भी कांस्टेंट मिलेगा आप इसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल है, हाउ ओल्ड वाज सूजन 4 years अगो, यानी कि सूजन अभी जितनी उम्र है उसकी 4 साल पहले क्या उम्र थी। तो सूजन अगर अभी के टाइम में 10 साल की है तो 4 साल पहले सूजन की उम्र 6 साल रही होगी, 4 साल कम कर दीजिए तो 6 साल। सूजन अभी अगर मान लीजिए 25 साल की है तो 4 साल पहले 21 साल की रही होगी। सूजन अभी अगर 60 साल की है तो 4 साल पहले 56 साल की रही होगी। अब सूजन की असल उम्र क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि सूजन अगर n साल सूजन की उम्र है तो 4 साल पहले उसकी उम्र रही होगी n माइनस 4। प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज 5 rupees लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। अब इस चीज को फिर से ध्यान से पढ़िए कि गेहूं की जितनी कीमत है वो 5 रुपए कम है चावल की कीमत से, यानी कि अगर चावल की कीमत 10 रुपए किलो है तो गेहूं की कीमत 5 रुपए किलो है, 5 rupees लेस। अगर चावल की कीमत 30 रुपए किलो है तो गेहूं की कीमत क्या होगी, 5 rupees लेस, यानी कि गेहूं 25 रुपए किलो होगा। तो इसी तरीके से अगर चावल की कीमत n रुपीज है यानी कि n रुपीज पर केजी, n रुपीज पर किलो, तो गेहूं की कीमत होगी n माइनस 5। अगला एग्जांपल, प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 times द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यानी कि तेल की जो कीमत है वो 5 गुना है, 5 times किसकी कीमत से, चावल की कीमत से। यानी कि चावल की कीमत अगर 10 रुपए है, चावल की कीमत अगर 10 रुपए है तो तेल की कीमत 5 times है, यानी कि इंटू 5 यानी कि 50 रुपए। चावल की कीमत अगर 12 रुपए है तो तेल की कीमत 5 गुना यानी कि 12 का 5 गुना यानी कि 60 रुपए हो जाएगी। अगर चावल की कीमत 100 रुपए है तो तेल की कीमत 500 रुपए हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर चावल की कीमत n है तो तेल की कीमत 5 times ऑफ n हो जाएगी, 5 into n, या इसको सीधा हम लिखेंगे 5n। अब अगला एग्जाम्पल है, द स्पीड ऑफ बस इज 10 kilometers पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। अब कहा क्या जा रहा है कि एक बस है, उस बस की स्पीड 10 kilometers पर आवर ज्यादा है, 10 kilometers पर आवर मोर देन किससे, द स्पीड ऑफ ट्रक, यानी कि कोई रोड है उस रोड पे कोई ट्रक है, ट्रक जा रहा है आगे की तरफ, उसी रोड में एक बस भी जा रही है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, जो बस की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आर ज्यादा है, यानी कि ट्रक अगर 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है तो बस कितने से जा रही होगी, 10 प्लस 10 यानी कि 20।
अगर ट्रक 40 की स्पीड से जा रहा है तो बस जा रही होगी 50 की स्पीड से। ट्रक अगर n किलोमीटर पर आर से जा रहा है तो बस जा रही होगी n प्लस 10 किलोमीटर पर आर। अब अगला टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी कि अलजेब्रा का इक्वेशन। इक्वेशन ये जो वर्ड आया है ये आया है इक्वेट से। इक्वेट का मतलब होता है बराबर, यानी कि जैसे तराजू होता है, तराजू में दोनों चीजें जब बराबर हों तो वो बिल्कुल सीधा होता है, तो उसी तरीके से इक्वेशन कहते हैं, यानी कि दो चीजें बराबर हैं। तो अब जब वेरिएबल में कोई कंडीशन लगती है तो उससे फिर एक इक्वेशन बनता है, और इक्वेशन में इक्वल टू साइन का यूज होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और इक्वेशन या जहां पे भी इक्वल टू साइन लग जाए तो समझ लीजिए एक तराजू के जैसा हो गया है, कि एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों जो चीजें हैं ये बराबर होनी चाहिए। ये मतलब होता है इक्वल टू साइन का, कि दोनों बराबर हैं और बैलेंस में रहेंगे। तो LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये और राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होगा। और इक्वेशन किसी भी चीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में फर्क ये है कि इक्वेशन में इक्वल टू साइन आता है और इक्वल टू साइन से ही ये चीज इक्वेशन बनती है। अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि क्या मतलब क्या है, जब एग्जांपल्स देखते हैं क्लियर होगा। तो अब आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये क्वेश्चंस दिए हैं कि इनमें से अलजेब्रिक इक्वेशंस कौन से हैं। तो अब स्टार्ट से देखते हैं कि ये जो चीज है इसमें इक्वल टू साइन है, यानी कि ये इक्वेशन तो है कि बराबर हो रही है चीजें। अब यहाँ पे 20 कॉन्स्टेंट है, 20 हमेशा 20 रहेगा, 20 कभी 40 नहीं बन सकता। 70 ये भी कांस्टेंट है, 70 ही रहेगा, 70 कभी 72 या 80 नहीं बन पाएगा। x जो है ये वेरिएबल है, x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ये क्योंकि एक इक्वेशन है, यहां आपने बराबरी का साइन लगा दिया, तो अब x यूं ही कुछ भी नहीं हो सकता है। अब इस चीज को मैं जरा बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और एक इक्वल का साइन है, तो इस वजह से ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब यहां पे x ऐसा नहीं कि x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब ये इक्वल टू साइन लग गया कि ये इन दोनों का प्लस 70 के बराबर होना चाहिए। तो अब अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू ले लेते हैं 10, x क्या 10 हो सकता है? अगर x 10 है तो 10 प्लस 20 यानी कि 30, तो 30 क्या 70 के बराबर हो सकता है कि नहीं? 30 70 के बराबर नहीं है, तो x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती है। x की वैल्यू क्या 20 हो सकती है? तो x अगर 20 है तो 20 प्लस 20 यानी कि 40, 40 अभी भी बराबर नहीं हुआ 70 के, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी और ये वैल्यू है 50। x जैसे ही 50 होगा वैसे ही ये इक्वल हो जाएगा, 50 प्लस 20 यानी कि 70। अब ये एक तरफ 70 है, दूसरी तरफ 70 है, इस वजह से ये चीज इक्वल हो पाएगी। तो इस वजह से इस इक्वेशन में x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 हो सकती है। नो डाउट x एक वेरिएबल है, लेकिन अब क्योंकि इक्वेशन हो गया है तो इस वजह से x की सिर्फ एक वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन में फिट बैठेगी, वरना फिट नहीं बैठेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, 8 × 3 = 24 इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन है, लेकिन यहां कोई वेरिएबल नहीं है, ये सब कांस्टेंट है। 8 हमेशा 8 ही रहेगा, 8 बदल नहीं सकता, 3 हमेशा 3 रहेगा, बदल नहीं सकता, 24 है। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल इक्वेशन है। अगला एग्जांपल, 2p > 30, यहां पे इक्वल टू साइन नहीं है, और क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है इस वजह से ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें वेरिएबल जरूर है, p जो है ये एक वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और 30 कांस्टेंट है। अब p वेरिएबल है
और क्योंकि यहां इक्वल टू साइन नहीं है, इस वजह से पी की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी वैल्यू नहीं हो सकती कि पी वन से लेके कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं, अगर पी की वैल्यू हम वन ले लेते हैं कि पी मान लीजिए वन है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, टू, टू इंटू वन यानी कि टू, तो क्या टू बड़ा है तीस से? नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, टू तीस से बड़ा है ही नहीं, तो पी की वैल्यू वन नहीं हो सकती है। अगर पी की वैल्यू हम मान लीजिए टेन ले लेते हैं, दस, तो क्या होगा, टू इंटू टेन यानी कि बीस, तो बीस क्या बड़ा है तीस से? अभी भी बीस तीस से बड़ा नहीं है, तो अभी भी ये चीज गलत है, तो पी की वैल्यू टेन भी नहीं हो सकती है। अगर पी की वैल्यू हम मान लीजिए चौदह ले लें, तो टू इंटू 14 यानी कि क्या हो जाएगा, 28, 28 क्या बड़ा है 30 से? नहीं, अभी भी ये चीज गलत है, तो P की वैल्यू अगर हम 14 की बजाय 15 ले लें, तो 15 इंटू 2 यानी कि ये 30, 30 क्या बड़ा है 30 से? नहीं, 30 बराबर है 30 से लेकिन बड़ा नहीं है, हमें बड़ा पता करना है, तो P की वैल्यू यहां 15 भी नहीं हो सकती। अगर यहां P की वैल्यू अगर आप 16 ले लीजिए, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32, यहां पे ये चीज सही हो जाती है कि हाँ अब ये बात सही है कि 32 30 से बड़ा है, तो P की वैल्यू 16 हो सकती है, P की वैल्यू 16 हो सकती है, 16 के बाद कुछ भी हो सकती है, क्योंकि P चाहे आप 17 रखिए, चाहे 18 रखिए, चाहे कुछ भी फिर आगे रखिए, 16 से बड़ा है अगर P, तो ये चीज सही हो जाएगी, लेकिन अगर 16 से छोटा है P, तो ये चीज गलत हो जाएगी। लेकिन खैर ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट भी है, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, और इस चीज का आपको साफ आंसर दिख सकता है, आप -4 को इक्वल टू के इधर ले जाइए तो ये +4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 104 यानी कि 104, ये वैल्यू अगर आप रख दें यहां पे तो ये इक्वल हो जाएगा। रख के देखिए, 104 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आंसर आएगा 100, तो ये इक्वल है और ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इक्वल टू का साइन, इक्वेशन और वेरिएबल यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसका आंसर क्या होगा, 20 इंटू बी इज इक्वल टू 80 यानी कि किस संख्या से 20 का इंटू किया गया है, यानी कि 20 का इंटू किस संख्या से किया जाए कि 80 हो जाए, तो हमें पता है 20 इंटू 4 80 होता है, तो यहां b की वैल्यू हो जाएगी 4। आप सीधा सा कर सकते हैं, 20 को इधर ले जाइए तो यहां इंटू हो रहा है, तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो 80 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। तो खैर ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगला पार्ट ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये लेस देन का साइन है, y डिवाइडेड बाय 4, यहां y वेरिएबल है लेकिन स्टिल ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, और अगर आप इसका आंसर निकालना चाहें तो y डिवाइडेड बाय 4 लेस देन रहे 50 के, तो ये कब पॉसिबल होगा, अगर आप वैल्यू पुट करके देखें, तो वैल्यू पुट करने से बेटर है आप सीधा 4 को इधर ले जाइए, तो y इज लेस देन 4 यहां डिविजन में है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 यानी कि y 200 से अगर कम रहेगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी। अब जैसे कि y अगर 100 होगा तो 100 बाय 4 क्या आंसर आएगा, 25, 25 जो है वो छोटा है 50 से, ये बात सही है, और जैसे ही y की वैल्यू 200 से ऊपर जाएगी, जैसे मान लीजिए आप y की वैल्यू अगर आप 400 ले लेते हैं तो 400 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आएगा 100, और 100 छोटा नहीं है 50 से, तो इस तरीके से ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होता है, बेसिक रिव्यू हो गया आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस का भी, एक्सप्रेशंस का भी। अब हमारा अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। हम ये चीज कर चुके हैं अभी पहले, यहां दोबारा से देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, यानी कि किसी भी इक्वेशन को कौन सी वैल्यू, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है।
हम इस चीज का एग्जाम्पल देते हैं, आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, x प्लस 20 इज इक्वल टू 70। अलजेब्रिक इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन है, एक वेरिएबल है, बाकी कॉन्स्टेंट है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि x की कौन सी वैल्यू पे ये बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 10 ले ली जाए, तो x की वैल्यू 10 पे क्या होता है, 10 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 30। 30 क्या बराबर है 70 के? नहीं। तो यानी कि x की वैल्यू 10 नहीं हो सकती। x की वैल्यू 30 लेके देखते हैं, 30 प्लस 20 यानी कि 50। 50 क्या बराबर है 70 के? नहीं। अब x की वैल्यू 20 लेके देखते हैं, तो 20 प्लस 20 यानी कि 40। 40 भी बराबर नहीं है 70 के। तो x की वैल्यू 20 भी नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसी कौन सी वैल्यू है x की, यहाँ पे हम कौन सी डिजिट रख दें कि ये चीज़ बराबर हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 50 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 50 रख दें, वैसे ही ये चीज़ इक्वल हो जाएगी, यानी कि 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। 70 इज इक्वल टू 70, इधर 70 तो इधर भी 70। तो x की सिर्फ एक वैल्यू है, ये है 50, जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस इक्वेशन का कहा क्या जाएगा, सोल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 50, यानी कि x जैसे ही 50 होगा वैसे ही ये इक्वेशन सही हो जाएगी। और अगर x 50 नहीं है तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। जैसे x को अगर 10 ले लें तो 10 प्लस 20 30, तो इक्वेशन गलत हो जाएगी कि 30 बराबर नहीं होता है 70 के। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब इसमें p की वैल्यू 5 रख के देखते हैं कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो 5 रख देने पे 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। तो क्या 2 इक्वल है 7 के? नहीं, ये चीज गलत है। अब p की वैल्यू लेते हैं 15, तो 15 माइनस 3 यानी कि 12। 12 क्या बराबर है 7 के? नहीं, ये भी गलत है। अब p की हम वैल्यू लेते हैं 10, 10 वैल्यू रखते हैं, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7, तो इसका आंसर आएगा 7, और ये 7 बराबर है इस 7 के। तो यानी कि p की वैल्यू अगर हम 10 ले लें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वो बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो यहां पे सोल्यूशन क्या होगा, p की कौन सी वैल्यू, p अगर 10 होगा, p के 10 होते ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब अगला देखते हैं, 3n इज इक्वल टू 21। तो n की वैल्यू लेते हैं माइनस 7, तो 3 इंटू माइनस 7 हो जाएगा माइनस 21। तो माइनस 21 और 21, ये 21 21 है, बराबर जैसे दिखते हैं लेकिन अलग हैं, क्योंकि ये प्लस का 21 है और ये माइनस का 21 है। यानी कि आपको विजुअलाइजेशन बताऊं, आपने 21 रुपए किसी को उधार दिया है तो आपको 21 रुपए मिलेगा, तो ये प्लस 21 है। और यहां पे क्या है, माइनस 21 का क्या मतलब, आपने 21 रुपए किसी से उधार लिया था, अब आपको देना है। तो 21 रुपए भले ही कहने को 21 21 है, लेकिन प्लस माइनस में ये दोनों अलग हैं। तो n की वैल्यू माइनस 7 नहीं हो सकती। n की वैल्यू अगर 7 लें तो 7 इंटू 3 हो जाएगा आंसर 21, और जो कि आंसर सही है क्योंकि इधर भी 21 इधर भी 21, तो n की वैल्यू 7। तो इसका सोल्यूशन होगा n इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू 7 होते ही ये इक्वेशन सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो अब t की वैल्यू हम लेते हैं 25, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 5। ये आंसर गलत है, 5 कभी भी 4 के इक्वल नहीं होता है। अब इसकी वैल्यू लेते हैं 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 4, ये इक्वेट हो गया। तो यानी कि t की वैल्यू अगर हम 20 ले लें
वैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है, इसका सॉल्यूशन निकल आता है। अब आखिरी लेते हैं, 2L plus 3 is equal to 7। तो अब L की वैल्यूज दी हुई है कि किस वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा। तो L की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो यहां L की जगह 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 plus 3 यानी कि 5। 5 बराबर नहीं होता है 7 के, तो ये वैल्यू गलत है। L की वैल्यू अब 5 लेते हैं, 5 into 2 यानी कि 10, 10 plus 3 यानी कि 13, 13 भी बराबर नहीं है 7 के, तो L की वैल्यू 5 भी नहीं हो सकती। अब लास्ट लेते हैं 2, तो 2 into 2 4, 4 plus 3 7 यानी कि इधर आया 7, इधर भी है 7, तो L की वैल्यू है 2। तो जैसे ही L की वैल्यू 2 हो जाएगी वैसे ही ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है कि जब भी कोई एलजेब्रिक इक्वेशन मिलेगी तो वो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, और एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को, और वो वैल्यू ही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगी। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूँ इस बॉडमास रूल का, जिस रूल के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था। तो जब एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में कई सारे अलग अलग ऑपरेशंस हो जाएं कि माइनस, प्लस, डिवीजन, कई सारी चीज़ें हैं, तो हमें ये सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर ऑफ लिखा होगा तो ऑफ वाले ऑपरेटर को, तीसरे नंबर पे आप डिवीजन को प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, चौथे नंबर पे प्रायोरिटी है मल्टीप्लिकेशन की, पांचवें नंबर पे प्रायोरिटी है एडिशन की, और छठवें नंबर पे सब्ट्रैक्शन। किसी भी जगह में आप जैसे एग्जांपल देते हैं, 5 into 4 minus 8 is equal to 2x। तो अब आप क्या कर सकते हैं, करने का तो आप ये भी कर सकते हैं कि 5 into आप 4 में से 8 घटा दीजिए तो minus 4 हो जाएगा, और 5 का into कर दें 4 के साथ, आंसर आप लिख दें minus 20। तो कहने को तो ये भी आंसर है, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरीका नहीं है। जब भी आप किसी एक चीज का दूसरे चीज से इंटू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपने आप में एक यूनिट बन जाती है। आप किसी भी नंबर को तोड़ सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, आप 20 को ही 5 इंटू 4 लिख सकते हो। तो इस वजह से जैसे ही पहले आप इंटू करेंगे, ब्रैकेट नहीं है इसमें, ऑफ नहीं है इसमें, डिविजन भी नहीं है इसमें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पहले है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 इंटू 4 करेंगे और आंसर लिखेंगे 20, उसके बाद फिर आप माइनस करेंगे 8 और ये फिर आएगा 2x। तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद एडिशन। अब जैसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं, 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस पी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रैकेट दिखा है, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7 को एज इट इज लिखिए, 11 इंटू 2 यानी कि 22 प्लस पी। जब आप प्लस करेंगे फिर ये चीज सॉल्व होगी। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से कई सारे मल्टीप्लिकेशन और अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ ऑफ भी नहीं है, डिविजन, डिविजन का भी यूज नहीं किया गया है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। अब जहां जहां मल्टीप्लाई है पहले आप उसे सॉल्व करिए। तो 5 इंटू 4 ये एक मल्टीप्लिकेशन है, 3 इंटू 4 ये एक मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आप इन्हें सॉल्व करिए। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 12। अब इस चीज में भी अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको पहले एडिशन करना है, यानी कि 20 प्लस 2 यानी कि 22, इसमें माइनस करना है 12, तब आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सिस्टम रखना है। बॉडमास अभी इस चैप्टर में आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जब आप क्लास 7th 8th में जाएंगे फिर ये चीज़ और ज़्यादा एक्सपैंडेड वे में आएगी। तो ये था क्लास 6 मैथमेटिक्स के 11th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। चलिए फिर, थैंक यू।